बात बाजार की करें तो यहां क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारतीय बाजारों की शुरुआत जरूर मजबूत हुई लेकिन बाजार ऊपर स्तरों पर नहीं टिक पाया। मिड कैप शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 113 और निफ्टी 21 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, तेल गैस और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं टेलीकॉम, बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में गिरावट रही। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। संदीप शुक्रिया अनुया। देखिए एक और खराब दिन ही कहना चाहिए मार्केट्स के लिए। 10,500 के नीचे दूसरे दिन ऐसा है कि जब मार्केट्स में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखें शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन पांचवें दिन गिरावट के साथ ही कारोबार की जो समाप्ति है वो देखने को मिली है और ऊपरी स्तरों से बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो साफ तौर पर मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। और इनफैक्ट आप देखें तो जो कुछ चुनिंदा जो छोटे मझोले शेयर थे उनमें जरूर कुछ उछाल देखने को मिल रहा था। कुछ ऐसे स्मॉल कैप शेयर थे जहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी थी। इंडेक्स वाइज देखें तो तेल गैस, रियल्टी और मिड कैप फार्मा शेयर ये ऐसे पॉकेट थे जहाँ पे खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिला था। और आज पॉलिसी का दिन था और पॉलिसी के बाद खास तौर पे जो बैंकिंग स्पेस में पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी में अगर आप बढ़ने वाले शेयरों की बातचीत करें तो एचपीसीएल, अरबिंदो, कोल इंडिया, ओएनजीसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज तेजी में कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे थे। लेकिन गिरावट में अगर आप देखें जो निफ्टी पे आज प्रेशर बनाते हुए दिख रहे थे उसमें अंबुजा सीमेंट, भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्रा और वेदांता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसका इंपैक्ट देखिए करीब 2% के आसपास ही कमजोरी लेके काउंटर बंद हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा तेल गैस शेयर आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एचपीसीएल, कैस्ट्रोल के नंबर्स आए थे, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि तेल गैस शेयरों में काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा मिड कैप फार्मा आज डिफेंसिव का दिन था। मिड कैप फार्मा, मंगलम ड्रग्स, कोपरान, मोर्फिन लैब्स, व्यूमर लैब्स जो देखिए 11.5% तक की जो तेजी है वो लेके बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज एक स्टॉक है वो लीड कर रहा था। उसके अलावा कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स थे जिनमें काफी अच्छा एक्शन आज के दिन में देखने को मिला था। ऑटो एंसिलरी शेयरों में आज देखिए काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही थी। केसिन पॉइंट था यहाँ पे, जेबीएम ऑटो और उसके साथ साथ तलबोस ऑटो जैसे स्टॉक जो कि 12% तक चढ़े। लुमेक्स इंडस्ट्रीज में भी करीब 14% के आसपास तक के जो गेंस है वो दिन के दौरान देखने को मिले। आईटी स्टॉक्स कमजोर थे लेकिन मिड कैप आईटी में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। 8K माइल्स ऐसे स्टॉक देखिए 18% तक जो रिटर्न है वो देखे गए, सैक्सॉफ्ट के नंबर आए थे, उसके बाद यहाँ भी करीब 18% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। एक इंडिया टी बोर्ड की ओर से खबर निकल के सामने आई कि 2017 में चाय का जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड स्तरों पर रहा है। तो उस वजह से आप देखिए जितने भी चाय कॉफी से जुड़े जो स्टॉक्स है खासतौर पर चाय से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें आज देखिए 5% तक के जो गेंस हैं वो देखने को मिले। और आखिर में आज बाजार ऊपरी स्तरों से जरूर फिसला लेकिन जो हीरोज हैं आज बाजार के उनकी बात करें जहां पे एक्सेप्शनली अच्छे गेंस देखने को मिले उसमें एक स्टॉक था आज के दिन में एचईजी का 20% ऊपरी सर्किट था। सेंचुरी प्लाई पूरा प्लाईवुड स्पेस एक्टिव था। चंबल फर्टिलाइजर पैक को लीड कर रहा था और नेल्को ये 14% की तेजी आज कमजोर बाजार में भी लेके बंद हुआ था। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे।